हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेटा को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए जाएंगे होम टैब में। हमने यहाँ पर डेटा पहले से एंटर किया हुआ है अपनी स्प्रेडशीट में। होम टैब में जो वेरियस फीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी मदद से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। पहले हम वन बाय वन जो ग्रुप्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में जो हमने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है उसको उन सारे ऑप्शंस की मदद से फॉर्मेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड वाला, यहाँ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के। अगर हमने किसी भी जगह पर कोई टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को हम उस जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो हम कट ऑप्शन का यूज़ करते हैं कि हमने उस सेल को सेलेक्ट किया, कट पर गए और जहाँ पर हमें फिर से पेस्ट करना है न्यू लोकेशन पर, वहाँ पर हमने उसे पेस्ट कर दिया तो वह अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन थी वहाँ से हटकर अपनी न्यू लोकेशन पर मूव हो जाता है। लेकिन अगर हमें किसी कंटेंट को उस लोकेशन पर भी रखना है, प्रीवियस लोकेशन पर ही, साथ ही साथ दूसरे लोकेशन पर भी वैसा ही जो कंटेंट है वो हमें कॉपी करना है तो हम उस केस में कॉपी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा 1, 3, 4 और अब इस कंटेंट को हमें दूसरी जगह पर रिप्लेस करना है। यहाँ पर अगर 1, 2, 3 लिखा हुआ है और अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और वहाँ जिस सेल पर हमें रिप्लेस करना है वहाँ गए और वहाँ जाकर हमें पेस्ट करना है। तो अभी इस केस में यह दोनों लोकेशन पर हमारा डेटा अवेलेबल रहता है, जहाँ से हमने कॉपी किया था और जहाँ पर हमने फिर से कॉपी किया है। तो प्रीवियस लोकेशन और करंट लोकेशन दोनों पर वो डेटा अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम जो भी हमने अपनी सेल में या ग्रुप ऑफ सेल्स में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हो उस फॉर्मेटिंग को हम किसी दूसरी लोकेशन पर भी फॉर्मेट पेंटर की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इस सेल को हम इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं और इसके टेक्स्ट कलर को हम चेंज कर देते हैं, हमने इसको ब्राउन कर दिया तो, और यही फॉर्मेटिंग हमें किसी दूसरी सेल में अप्लाई करनी है तो हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर चूज करेंगे और दूसरी सेल पर जाकर हमें वो क्लिक करना है। जैसे ही हम उस सेल पर क्लिक करेंगे तो हमें अगर नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमने अप्लाई किए हुए हों तो हमें वन बाय वन सारे ऑप्शंस अप्लाई नहीं करने पड़ते, हम एक ही बार में सारे फॉर्मेटिंग उस फॉर्मेट पेंटर की मदद से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है वो आता है फॉन्ट का। इस ग्रुप में हमारे पास में डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल होती हैं कि हमें जो भी हमने कंटेंट लिखा है, जो डेटा है हमारा, उस डेटा को हम किस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो उसमें वेरियस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर किसी भी स्टाइल में, जिस स्टाइल में हमें अपना कंटेंट लिखना हो, अपना डेटा लिखना हो, हम उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हमें साइज़ को चूज़ करना है कि हम क्या साइज़ चाहते हैं, उस साइज़ में हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगर हम उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या डबल अंडरलाइन करना है, वो ऑप्शंस हमें फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। अगर हमने कोई डेटा लिखा हुआ है या कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको हमें बॉर्डर देनी हो तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया को सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर बॉर्डर वाले जो ऑप्शंस हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर हमें अवेलेबल होती हैं। बॉटम बॉर्डर, जिसमें सिर्फ बॉटम में बॉर्डर अप्लाई होती है, तो यहाँ हमने देखा। अगर हम टॉप बॉर्डर चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सारी सेल्स में बॉर्डर्स चाहिए हैं तो ऑल बॉर्डर्स करते ही हमारे पास में जितने भी सेल एरिया को हमने सेलेक्ट किया है, जिन भी रेंज ऑफ सेल्स को हमने सेलेक्ट किया है उसमें सेल बाय सेल पूरी बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। अगर हमें सेल का कलर चेंज करना है तो इस ऑप्शन की मदद से हम कर सकते हैं कि हमने सेल को सेलेक्ट किया और उसके बाद में उस पर जो सेल का फिलिंग कलर था वो अप्लाई कर दिया। सेल के अंदर जो डेटा लिखना है उसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम इस ऑप्शन की मदद से करते हैं। जैसे ही हम जो डेटा लिखेंगे वो उसी कलर में आएगा जिसमें हमने इसको सेलेक्ट किया है।
फिर हमारे पास आता है अलाइनमेंट वाला ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में डिफरेंट हमारे पास फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि हमें जो डेटा लिखा हुआ है उसे बॉटम अलाइन करना है, टॉप अलाइन करना है वर्टिकली, और लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, वो हम हॉरिजॉन्टली उसको देख सकते हैं। अगर हमने जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसे लेफ्ट अलाइन करते हैं या राइट अलाइन करते हैं या सेंटर अलाइन करते हैं, तो उसमें टेक्स्ट की लोकेशन उस अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है सेल के अंदर। फिर अगर हमने कुछ यहाँ पर लिखा, कोई कुछ भी टेक्स्ट हमने लिखा, और वो टेक्स्ट अगर हमें ऐसा दिखता है कि वो एक सेल से बाहर दूसरी सेल में जा रहा है और हम उसे ऐसा उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो हम उस सेल को सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो उसी सेल के अंदर वो पूरा टेक्स्ट रैप हो जाता है, यानी कि न्यू लाइन ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देता है अगर वो उस सेल की साइड से बाहर जा रहा होता है तो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर में हम मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करके, अगर हमने कोई कंटेंट लिखा है, सपोज ये कंप्यूटर साइंस से लिखा हुआ है, अगर हम इसको 3 या 4 सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज करना चाहते हैं और फिर इस कंप्यूटर साइंस को हम उसमें बीच में शो करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही हम जिन जिन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया था उन सेल्स, वो सेल एक सेल बन जाती हैं, सारी मर्ज हो जाती हैं, साथ ही साथ जो हमने डेटा लिखा हुआ है किसी भी सेल में वो सेंटर में आ जाता है। फिर हमारे पास ये वाले फीचर्स जो नंबर फॉर्मेटिंग के, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि किस टाइप से हम नंबर, उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो नंबर ही होता है लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, जो डिस्प्ले है उसका वो चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर कुछ सेल स्टाइल्स भी होती हैं हमारे पास जो कि प्री डिफाइंड है, अगर हम खुद चाहें तो न्यू सेल स्टाइल्स की मदद से नई सेल स्टाइल भी बना सकते हैं, और जो प्री डिफाइंड सेल्स हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर हमें किसी सेल को, हम ये सेल स्टाइल अपनी चूज़ करते हैं, तो उसमें जैसे ही हम कुछ लिखेंगे तो वो अपने आप से रेड कलर में आएगा, क्योंकि हमने उसकी सेल स्टाइल ऐसी चूज़ की है जिसमें सेल का जो बैकग्राउंड है वो लाइट रेड है, जबकि सेल का जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड कलर में है। अगर हम खुद से अपनी कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हम न्यू सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे, हम जो भी उसका नाम देना चाहते हैं वो नाम देना है हमें उसका, उसके बाद हमें कैसे फॉर्मेट करना है वो ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं कि वर्टिकल सेंटर में होना चाहिए जो हम उसका टेक्स्ट लिखेंगे, लेफ्ट इंडेंट होना चाहिए, उसका फॉन्ट जो है, फॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, अगर हम उसमें बड़ी साइज़ चूज़ करते हैं ये साइज़ चूज़ कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल होना चाहिए उस फॉन्ट का, उसका फिलिंग जो सेल है उसकी फिलिंग कौन से कलर की होनी चाहिए, अगर हमें नो कलर देना है तो हम नो कलर भी दे सकते हैं, ब्लू देना है, जो भी कलर हम सेलेक्ट करते हैं वो, और यहाँ पर ये टेक्स्ट का कलर हम कौन सा चूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसे ओके करते हैं और उस पर माय स्टाइल अप्लाई करते ही जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसकी साइज़ जो हमने साइज़ उसमें दी है उस साइज में लिखने में आता है, उसका जो सेल का बैकग्राउंड कलर है वो हमने ब्लू सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा, साथ ही हमने जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड सेलेक्ट किया था, तो एक ही बार में हम मल्टीपल जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन हैं उनको एक नई स्टाइल बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये सब हमने डिफरेंट स्टाइल ऑप्शन जो होम टैब में अवेलेबल है वो देखे। अब जो हमारे पास डेटा है अगर हमें उसे फॉर्मेट करना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है, तो हम उसे इन्हीं ऑप्शंस की मदद से करके देखते हैं। जो अभी हमने सारे ऑप्शंस देखे हैं वो होम टैब में अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ अगर हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो भी हमारे पास में फॉर्मेटिंग के लिए जो विंडो ओपन होती है उसमें भी वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो एक ईजी मेथड है कि अगर हमें कभी भी फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम Ctrl+1 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वहाँ से फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं क्लियर ऑल में पूरा डेटा भी क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर क्लियर फॉर्मेट करते हो तो सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होती है।
अब जब अगर हम जैसे ये जो हमारे टाइटल्स हैं इन्हें हम बोल्ड करना चाहते हैं, इनका हम कुछ बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं, जो सेल्स डेटा जो टेबल का नाम है, अगर हम टेबल का नाम सेंटर में चाहते हैं कि जो सेल्स डेटा है इन दोनों कॉलम के सेंटर में रहे लेकिन सेल्स मर्ज नहीं हो, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप का अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से लॉन्च बॉक्स, डायलॉग लॉन्च बॉक्स में जाकर अलाइनमेंट, और इसमें हम सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ओके, तो ये हमारा सेंटर में आ जाता है, जबकि हमारी जो सेल्स हैं वो मर्ज नहीं होती हैं। इस केस में दोनों सेल का इंडिविजुअलिटी रहती है, जबकि डेटा हमें मिडिल में दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ डेटा, अगर हम इस डेटा को सेंटर में लाना चाहते हैं तो हम इसे सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर सकते हैं। हमें इनको जो मंथ्स हैं अगर उनको डिफरेंट कलर में करना है तो हम उस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें अपनी जो टेबल है पूरे टेबल को बॉर्डर्स अप्लाई करनी है तो हम यहाँ से जाकर उस पर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो होम टैब में डिफरेंट फीचर्स हैं उनकी मदद से अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं।